हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर कल्चर से संबंधित हो। तो जितने भी वन लीनियर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जैसलमेर ज़िले से, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसलमेर ज़िले के उपनाम, इसे स्वर्ण नगरी, झरोखों व हवेलियों की नगरी, मरु नगरी, म्यूजियम सिटी, रेगिस्तान का गुलाब और राजस्थान का अंडमार भी कहा जाता है। जैसलमेर ज़िले के क्या क्या उपनाम हैं? एक तो स्वर्ण नगरी, झरोखों व हवेलियों की नगरी, मरु नगरी, म्यूजियम सिटी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमार, यह सभी जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर की स्थापना, यह राजस्थान का पश्चिमी जिला है जिसकी स्थापना यदुवंशी जैसल ने 1212 ईस्वी में की थी और निर्माण कार्य जैसल के पुत्र सालिवान सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? जैसल के पुत्र सालिवान सेकंड ने। राजस्थान में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस के भंडार जैसलमेर में है और प्राकृतिक तेल के भंडार बाड़मेर में है। उद्योग के क्षेत्र में सबसे कम विकसित जिला है जैसलमेर। राज्य में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर की है और देश का प्रथम चारा बैंक जैसलमेर में है। कौन सा बैंक? चारा बैंक। भारत का प्रथम भूवैज्ञानिक संग्रहालय जैसलमेर में है और जैसलमेर में न्यूनतम ग्राम पंचायत और न्यूनतम औद्योगिक इकाइयाँ हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। और राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जैसलमेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति सब तहसील जैसलमेर है। अकैसाई सिक्के जैसलमेर के प्रचलित थे। राजस्थान में ऊन व सर्वाधिक लंबी ऊन देने वाली नस्ल जैसलमेरी नस्ल है। जैसलमेर में राज्य का पश्चिमतम बिंदु कोणागांव सम तहसील है। कौन सा बिंदु? ये राजस्थान है जिसका पश्चिमतम बिंदु कोणागांव सम तहसील स्थित है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर की है। जैसलमेर जिला पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला पाकिस्तान के साथ जैसलमेर जिला है। जैसलमेर में वर्षा का वितरण सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। कभी वर्षा ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, दिन में अत्यधिक गर्मी और रात को अत्यधिक ठंड, टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। राजस्थान में सबसे कम वार्षिक वर्षा और सर्वाधिक गोडावण पक्षी राजस्थान में जैसलमेर में होते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा वार्षिक कम वर्षा राजस्थान में किस जिले में होती है? जैसलमेर में। और सर्वाधिक गोडाउन पक्षी किस जिले में? तो जैसलमेर में। स्टील ग्रेड पीला पत्थर जैसलमेर में होता है। सर्वाधिक गोडाउन पक्षी स्टीलनेस व पीला पत्थर जैसलमेर में। राजस्थान में बंजर व वे भूमि सर्वाधिक क्षेत्रफल जैसलमेर में और सबसे कम पशु घनत्व भी जैसलमेर में। राजस्थान में सबसे कम सड़क घनत्व जैसलमेर में और सबसे ज़्यादा राजसमंद में। राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीटें एक सीट जैसलमेर में है। अब जानेंगे सोनार का किला, जिसका उपनाम है सोनगढ़, त्रिकूटगढ़ और स्वर्णगिरी। इसका निर्माण राजा रावल ने त्रिकूट पहाड़ी पर करवाया था। इस दुर्ग को बनाने में सिर्फ पीले पत्थरों का उपयोग किया गया, जो
चूने का उपयोग नहीं किया गया है। सोनार का किला दावण्य श्रेणी में आता है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और पहला है चित्तौड़गढ़। यह दुर्ग 250 सांकों के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में राजस्थान में उत्तर का किवाड़ भी कहा जाता है। इस किले को राजस्थान में उत्तर का किवाड़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह है। यह किला यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया है। पोखरण, यह जैसलमेर की तहसील है। यह परमाणु विस्फोट परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह 1972 में इंदिरा गांधी के समय सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया गया। पोखरण में ही बाबा रामदेव का गुरुकुल, बालीनाथ जी का गढ़ और विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। जैसलमेर जिले में गढ़ सीसर तालाब का निर्माण रावल सिंह ने करवाया था। गजरूप सागर जैसलमेर में स्थित है। लाठी सीरीज बाड़मेर और जैसलमेर की सीमा पर स्थित है, जहाँ पर सेवन घास पाई जाती है और जल स्तर भी ऊंचा पाया जाता है। सेवन घास को स्थानीय भाषा में लिलून कहा जाता है। अमर सागर झील का निर्माण महारावल अमर सिंह द्वारा करवाया गया। अमर सागर पर राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थित है। पलाया झील भी जैसलमेर में स्थित है। सलीम सिंह की हवेली मोती महल जैसलमेर जिले में है। पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। नतमल जी की हवेली भी जैसलमेर में। पटुओं की हवेली, नतमल जी की हवेली कहाँ पर? तो जैसलमेर में। जैसलमेर में रामगढ़ में गैस आधारित परियोजना स्थित है और आकल गांव में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। जैसलमेर में लोद्रवा के पास राजकुमारी मूमल का प्रसिद्ध महल है, जिसे मूमल की मेड़ी भी कहा जाता है और मूमल नाम का लोकगीत भी जैसलमेर में गाया जाता है। तनोट, जैसलमेर के तनोट में तनोटिया माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तनोटिया माता को सेना के जवानों की देवी भी कहा जाता है और इन्हें रुमाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। रुणीचा रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर है और यहीं इनकी शिष्या व परम भक्त डालीबाई की समाधि भी है। रुणीचा में बाबा रामदेव का मंदिर होने के कारण इस गांव को रामदेवरा भी कहा जाता है। रुणीचा में भादो माह में रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला भरता है। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का जन्म भी जैसलमेर में हुआ था। सोनू क्षेत्र में स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है और जोधपुर में बादल महल व ताजिया टावर स्थित है। तो फ्रेंड, कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताना, और यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।